क्या सुंदर दृश्य है। हरा भरा जंगल देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखो यह वही जगह है जहां हम फैक्ट्री लगाने वाले। हाँ दोस्त, है तो बड़ा सुंदर जगह। शहर बसाने तथा फैक्ट्री लगाने के लिए इन सभी पेड़ों को काटना होगा। हाँ, हम जल्दी ही यहाँ लकड़हारों को लगाएंगे ताकि जल्दी फैक्ट्री लग सके। बना दो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कारखाने, फिर ढूंढते रहना नदी नाला और तालाब। क्यों पीपल काका, ठीक ही कहा ना? हाँ ठीक कहा भतीजा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य पानी के लिए तरसेगा, धन देकर भी पानी और अनाज नहीं मिलेगा। क्यों आम भाई, जब तक मनुष्य को यह सब समझ आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो भाई, मानो इस बात को कब समझेगा पता नहीं। लो भाई आ गए जंगल। इतना बड़ा जंगल क्यों कटवा रहे हैं? हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब। जितना अधिक पेड़ काटेंगे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। चलो पेड़ काटें। चलो। सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। चलो उस पेड़ की छांव में कांचे खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, हम लोग वहाँ खेलेंगे। ए बच्चों, इस पेड़ से हट जाओ, हमें पेड़ काटने दो। क्या बोला क्या बोला? हम यह पेड़ नहीं काटने देंगे, बरगद हमारा दोस्त है, हमें यह छाया देता है। हाँ हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक है कब तक बचाओगे, हम भी देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव शहर में तब्दील होता गया। कच्ची पगडंडियों के जगह पक्की सड़कें बन गई, रेल की लाइनें बिछ गई, कारखाने लग गए, पेड़ कट गए, जंगल उजड़ गए। अरे इस नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? ओह धूप भी कम नहीं हो रही है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है। धूप में तो अब छांव भी कहीं नहीं मिल रही है। अरे यहाँ चारों तरफ कितना प्रदूषण है। हा हा हा, अब ढूंढते रहो जमीन में पानी, ढूंढते रहो छाया, अब चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। अब बनाओ अपने गांव को शहर। ए मानव, तुमने ही अपनी बर्बादी का भविष्य लिखा है, तुम्हें तो अपनी प्रगति और सुविधाएं ही दिखाई दे रही थी। अब तरसो पानी के लिए, कोई शुद्ध हवा के लिए मर रहा है तो कोई अनाज के लिए। पानी
मनुष्य अब भी समय है, जाग जाओ। इस सुंदर पृथ्वी को सीमेंट के जंगल और विकास के नाम पर होने वाले तांडव से बचाओ। जाग जा मानव, जाग जा।